गाइस, गुड इवनिंग। जर्नी ऑफ लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बड़े दिन बाद वीडियो बना रही हूँ। ये तो मैं रोज़ ही कहती हूँ क्योंकि बनती तो है नहीं है, क्या बताऊँ, बस ऐसे ही प्रॉब्लम से। अब मैं बना रही हूँ चाय दद्दू के लिए। शाम हो गई है ना, तो डेली दद्दू को सवेरे और शाम को चाय चाहिए होती है। अभी मैंने बस जस्ट चढ़ाया ही है, अब बनाऊँगी मैं। आज बहुत ज़्यादा काम था, दिखाऊँ, मैंने आज अपना हॉल एकदम क्लीन कर दिया। देखिए, वैसे लाइट चली गई है तो पूरा दिख नहीं रहा है। ये देखिए, एकदम क्लीन कर दिया सारा। ये देखिए, ये बाहर बेड़े का व्यू है। देखिए हमारे यहाँ फूल कितने अच्छे खिले पड़े मेरे घर पे। तो अभी मेरा भी ज़्यादा अच्छा फेस नहीं दिख रहा होगा क्योंकि अभी पता नहीं क्या है, 2-4 दिन से लाइट का प्रॉब्लम हो रखा है। पता नहीं कोई आया है क्या बाहर। नहीं, अब मैं चाय बना लेती हूँ। शिवम का पेपर पास आ रहा है तो शिवम देखो लगा पड़ा है पढ़ाई में बहुत जोरों शोरों से। आज मैंने ऑल सारा चमका दिया, लाइट ही नहीं है, मैं कैसे दिखाऊं आपको। ये देखो मेरा बेड, ये मैंने ना नीचे ही गद्दे, मैं आपसे बता रही थी एक बार मैंने गद्दे बनवाए 15-15 kg के, रोई के, बड़ा मज़ा आता है सोने में। ये मेरी रजाई है रेड वाली। आज मैंने पूरा सब घर में, मैं ज़्यादा होती नहीं हूँ, नर्सरी चले जाती हूँ, तो मैंने आज सारा ही चमका दिया पूरा। देखो सारा एकदम मस्त। दद्दू आ गए छत पे से, देखो सांस की प्रॉब्लम है ना, तो इसलिए चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मेरे पास कूटने वाली तो है पर मैं फिर भी अदरक बेलन से कूट रही हूँ। वो ना उसकी है, मतलब सिल्वर वाली है शायद, मुझे पत्थर की लानी है, पत्थर वाला ज्यादा सही रहेगा ऑप्शन। कई दिन हो गए थे, मैंने कहा चलिए आज थोड़ा सा मैं वीडियो बना लेती हूँ। जब तक चाय पकती है तब तक मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। घर पे मैं रहती नहीं तो काम हो नहीं पाता है। अभी दिखाती हूँ जो मैंने थोड़ी बहुत किया है। ये देखो इन सबको आज मैंने धो दिया। ये देखो इन सबको, देखो आज मैंने धो दिया, पूरा क्लीन कर दिया। छोटी सी हाथी है, हाथी में मैंने मनी प्लांट लगा रखा है। ये देखो ये सीढ़ियों पर रखा है। ये देखो ये प्लांट भी मैंने धो दिया सारा। देखो घर पे
नहीं होने के बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि क्लीनिंग हो नहीं पाती है। और काम वाले भी लगाओ तो वो मतलब जैसे हम करते हैं ना, वो करते ही नहीं है। पता नहीं क्या कहते रहे, वो कहते रहे, सुनते ही नहीं है वो बिल्कुल भी। दादा की रूम की लाइट जला देती हूँ मैं। दादा आ गए ना, लाइटें सारी बंद, बच्चे तो बंद करते नहीं हैं, मैं ही सबके रूम की बंद करती हूँ। अभी मैं करूँगी शाम के खाने की तैयारी। देखो आज मैंने 5 केजी आलू लिया है, एक पत्ता गोभी भी ले ली। पता नहीं बच्चे खाएंगे भी या नहीं खाएंगे, देखते हैं। एक किचन भी चमका दिया अभी ना, इसका ये नहीं बनवाया मैंने। किचन में सारा अभी मतलब जितना भी लकड़ी का काम है ना, सब अभी करवाना बाकी है, इसीलिए बेड भी नहीं बनवाया। इसको देखो कैसे देख रहा है, चला गया खिड़की से। बहुत शरारती करता है, बहुत ज़्यादा ही। चलिए अब मैं दादू को चाय दे देती हूँ, अभी तो पकी रही है चाय। देखो ये देखो, थोड़ी 1 कप बनानी है इसलिए मैं इसमें बना रही हूँ। आज क्या हुआ ना, पता नहीं कहाँ से दरवाज़ा खुला रह गया और बिल्ली घर में घुस आई। सारा दूध उसने खिंडा दिया, सारा दूध, सारे गैस सब कुछ क्लीन कर रखा था। मेरा काम बढ़ा दिया, दोबारा से मुझे करना पड़ा। सारा किचन एकदम से दूध। दरवाजा ना ढीला है अभी, और जाली का ही लगा हुआ है, दूसरा है नहीं है, तो जब उसी से घुस आई, उसको मौका मिल गया। अभी दद्दू आ गए वॉशरूम से। हाँ आके दद्दू को चाय दे देती हूँ। चाय लगभग आज पूरी थकावट हो गई। चलिए जी, चाय रेडी हो गई। पिटेगा? मैंने दूसरे फ्राई पैन में बनाया, क्योंकि 1 कप बनानी थी। मैंने कहा वो भी, ये देखो दद्दू को चाय दे के आती हूँ। लो दद्दू, छत पे से आए ना तो पंप लेना पड़ेगा, क्योंकि सांस फूलती है। तो चलिए सोचती हूँ क्या बनाना है, क्या बनाना है। दोपहर को मैंने बनाया था पालक की दाल और चावल, अब सोचना पड़ता है क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, कुछ तो बनाना पड़ेगा। पास्ता भी बताऊँगी, कह रहा है पास्ता बिल्कुल भी नहीं खाने देती मैं इनको, बाहर की चीज़ें। चौमिन मारूंगी, ये देखो गया पर्दे के पीछे। चलिए अभी थोड़ा काम देख लेती हूँ, क्या है क्या नहीं है, और थक भी चुकी हूँ। थोड़ी देर रेस्ट करके फिर आऊँगी, फिर शाम का खाना भी बनाऊँगी। देखिए आज मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी, मटर और आलू की सब्जी। इतना टाइम हो गया, अभी तक मेरे को लग गया। देखिए मेरी सब्जी कितनी देखने में कितनी टेस्टी लग रही है। बॉईल करके ना बच्चे खाते नहीं है। चलिए मैं फटाफट खाने को रेडी करती हूँ। The next day. अभी चलते हैं छत पे, कल मैंने मैट धोया था ना, उसको सुखा के आती हूँ, नहीं तो मैं अभी चली जाऊंगी नर्सरी, फिर कोई लेके नहीं जाएगा। किचन का है इसलिए सर्दियों में बहुत दिक्कत भी हो जाएगी फिर। देखिए छत पे मेरे मॉर्निंग वॉक भी, देखिए मैंने हल्दी सुखा रखी है, डाल देती हूँ इसे पैड़ियों पे। सूरज भगवान कितने अच्छे निकल गए, देखिए। मुझे लेना है तुलसी का पत्ता थोड़ा सा। ये देखिए कितनी अच्छी खिली पड़ी है सारी, ये देखिए
और चलते हैं फटाफट नीचे, मेरा पानी हो गया गर्म, मैं नहा लेती। चलिए मैं आ गई अब नर्सरी। अब यहाँ देखो सारा काम स्टार्ट है, इसी वजह से मैं नर्सरी अभी कम आती हूँ। ये देखो अब यहाँ देखते हैं क्या है कैसे है सब। कल मैं आई नहीं थी तो आज देखना ही पड़ेगा। यहाँ लेबर ओबर सब गायब है, कोई नहीं है। देखो यहाँ पे कोई भी नहीं है, एकदम खाली पड़ा है। अब मॉर्निंग में आके ना ये देखो, इनको देख के मन खुश हो जाता है। ये देखो वाओ, ये देखो इनको देखो। चलिए अब मैं यहाँ आ गई तो थोड़ा काम निपटा लेती हूँ। निपटाने से पहले आपको ये डहलिया दिखा देती हूँ, ये देखो। चलिए कुछ काम करके फिर। हे गाइस, तो मैं अभी मैं नर्सरी से आ गई हूँ घर। देखिए शादियों का टाइम चल रहा है, ये देखो इतनी सारी मिठाइयाँ रखी हैं। चलिए आज की मैं इस वीडियो को, आज की तो नहीं कह सकते, हाफ आज की है हाफ कल की है, मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। चलिए मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।